कार दोस्तों, मैं संतोष पंजाब से। आज मैं आपको रबड़ी बनाना बताऊंगी। गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे फलूदा में रबड़ी डाली और दूध में रबड़ी डाल के खाते हैं। वैसे भी रबड़ी ठंडी करके खाते हैं तो खाने का टेस्ट अलग ही हो जाता है और मुँह का स्वाद अच्छा हो जाता है। इसमें जो सामग्री डलेगी वो इस प्रकार से है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसमें जो ये कॉर्नफ्लोर है ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं तो बिल्कुल 1/4 चम्मच, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप खुद ही दूध ये कट जाएगा तो बहुत बढ़िया है, उसकी रबड़ी अच्छी बनेगी। अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच ये इलायची पाउडर बीट किया हुआ, इस प्रकार से छोटा 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, किशमिश, काजू और पिस्ता और बादाम, चिरौंजी, ये इसका भी टेस्ट हमारी रबड़ी में बहुत अच्छा आएगा, पिस्ते का भी टेस्ट अच्छा आएगा। बादाम हमने 8-10 पीस पानी में भिगो लिए हैं और इनको छीलकर फिर हम बारीक काटेंगे। और चारों प्रकार के मग्ज़ और केसर, इससे केसर से ऐसा है कि दूध का कलर रेड ना बनकर येलोश बनेगा और जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जो दूध पे उबाला आने के बाद जो मलाई आ जाती है उसको हमने किस प्रकार से उसको पीछे हटा के उसके लच्छे बनाने हैं। प्रकार से दूध डाल दिए, इसको बॉयल आने तक रुकेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि उसकी मलाई को किस प्रकार से पीछे हटा के हमने उसके लच्छे बनाने हैं। है दूध का बहुत सा हिस्सा, पानी जो हमारा दूध में था वो जल चुका है। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से मलाई की लेयर्स बन रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से धीरे धीरे साइड पे करते रहें और जो ये साइड वाली है उसको भी उतारते रहें इस प्रकार से। ये आपकी जो ये मलाई के इस प्रकार से दिख रहा है, आपके लच्छे बने हुए हैं। मलाई का जो थक्का सा बना हुआ है वो आपके मुँह में आएगा इस प्रकार से। अब आप फिर दूसरी बार फिर ये बॉयल होगा दूध तो इसी प्रकार से ऊपर से ये करछी को ढक लेगी, जो बुलबुले से बबल से बने होंगे वो हम धीरे से उसको हटा के इस प्रकार से साइड पे कर देंगे ताकि जो हमारी रबड़ी बनेगी वो अच्छी लच्छेदार और थिक बने। ये इस प्रकार से आप इसको सिम फ्लेम पे बनाएं। दूध जो है हमारा 1 लीटर दूध था जिसका 1/3 हिस्सा बिल्कुल जल के, पानी जो था जल के, ये 200-250 ग्राम के करीब रह गया। और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये बिल्कुल थिक दूध बन गया है और ये मलाई किस प्रकार से लच्छेदार बन गई है। और इधर हमने इसको इसमें ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, मग्ज, चारों प्रकार के, काजू और किशमिश, और ये केसर दूध में थोड़े से दूध में घोल लिया जिसे अब मैं डालती हूँ। बिल्कुल अब रेडी है, तैयार है हमारी रबड़ी के लिए। और इसमें आप ये केसर डालने की वजह से ये आप देख रहे हैं अच्छी नहीं, ये आप चारों ओर से इसे जितना हो सके सकते हो वो उतार लो। और 1.5 चम्मच के करीब मैंने चीनी ली है और रबड़ी में थोड़ी सी अच्छी चीनी ही अच्छी लगती है, मिठास हो उसमें, इस प्रकार से ये चीनी। और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है, देख रहे हैं जो ये दूध है
इसका बहुत सा हिस्सा जल चुका है और ये इस प्रकार से लच्छेदार बन चुकी है और इसको अब हम फिर फ्रीज़र में जमने के लिए रखते हैं। तो बनती हुई नहीं, ये गैस बंद कर लिया और गैस बंद करने के बाद इसको अब हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम फ्रीज़र में रखेंगे। ये अगर आपने ऐसे ही खानी है तो ऐसे भी खाई जा सकती है, अगर फलूदा के साथ खानी है ये अपने बच्चों की चॉइस है, वैसे भी खा सकते हैं। और आप बच्चों को ये लच्छेदार रबड़ी दें, मैं फिर आपको दिखाऊंगी और ये फ्रीज़र में से निकाल के ये अभी आप हम ठंडी करके इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। ये जो लच्छेदार राबड़ी बनाई थी हमने कल को, उसको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये जम गई है, जमी हुई है हमारी राबड़ी, बहुत अच्छी तरह से जमी हुई है। इसी ये तो अलग से बनी हुई है, एक मैंने क्वांटिटी मैंने ज़्यादा बनाई थी, अब मैं उसको फलूदा की आइसक्रीम में भी राबड़ी को यूज़ करूँगी, आइसक्रीम भी डालूँगी और राबड़ी भी डालूँगी, ताकि जो हमारी फलूदा आइसक्रीम बनेगी वो रिची बने और ये राबड़ी मैं उसमें ऐड करूँगी। ये आप बनाएं, राबड़ी को अलग से बना सकते हैं, अगर आप फलूदा में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी टेस्टी लगेगा। एक मैं अपने व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला और से और बढ़े। और मुझे ये ऐसे होता है कि सुबह के वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सुबह के वक्त मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ, ताकि उसके बाद वो धूप आ जाती है और मैं अपने गार्डन का भी काम करके मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना दिखाती हूँ गमलों में, और नई नई मैं पौधे लगाती हूँ, प्लांट लगाती हूँ। और इस वक्त मैं किचन में होती हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें मेरे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको फलूदा बनाना बताती हूँ। इसमें फलूदा में अरारोट लिया है, आप ये अरारोट ले सकते हैं या आप कॉर्नफ्लोर, दोनों में से एक चीज़ लेके हम एक चीज़ का फलूदा बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अरारोट लिया है, ये मैं लूँगी 2 चम्मच के करीब लूँगी इस प्रकार से, और इसमें पानी इस प्रकार से ऐड कर देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और जब हम पकाएंगे इस प्रकार से, अब देख रहे हैं बिल्कुल एक भी गुठली नहीं पड़ी है, जब हम पकाएंगे तब भी इसको बार बार हिलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली या इस प्रकार से, ये अरारोट बन गया। इधर मैं गैस पे आप इसको हिलाते रहें अच्छी तरह से, ऐसे ना हो कि ये इसमें गांठ सी पड़ जाए इस प्रकार से। आप देखेंगे बिल्कुल जो ये अरारोट है क्रिस्टल की तरह हो जाएगा। ये बिल्कुल थिक बन गया हमारा अरारोट इस प्रकार से, और इसको अब हम गर्म गर्म ही मशीन में डालेंगे ताकि जो फलूदा का प्रोसेस है वो हमारा सही फॉर्म में आए। ये गैस बंद कर देती मैं, इसको अच्छी तरह से बना लिया।
एक बार तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, मगर आप घबराए ना। इसको चम्मच नहीं पा, बंद कर। आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से प्रेस करते हुए आराम से आप आइस क्यूब पे इस प्रकार से डाल दें। इसके लिए बिल्कुल नीचे हमने ये बर्तन में बिल्कुल चिल पानी लिया और थोड़े से आइस क्यूब डाल लिए, और ये बिल्कुल मशीन में से जो अरारोट का मटेरियल था वो निकल चुका है। ये इस प्रकार से हमारी जो फलूदा सेवियाँ हैं वो बन गई हैं। इसको आप 2-3 मिनट के लिए इसी प्रकार रहने दें, उसके बाद हम फलूदा आइसक्रीम की डेकोरेशन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसको सर्व किया जाएगा। ये फालूदा बनकर तैयार हो गया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम सर्व करके बच्चों को दे सकते हैं। ये टूटी हुई बर्फ़ है, 2-2, 2.5-2.5 चम्मच के करीब बर्फ़ के डाल लेंगे। ये चीनी का सिरप इस प्रकार से, और ये टूटी फ्रूटी, क्योंकि इससे कलर और रंग अच्छा आता है और बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। और अब मैं डालूँगी फालूदा, इस प्रकार से अब मैं एक स्कूप ये रबड़ी का डालूंगी। और ये रूह अफ़ज़ा, ये ड्राई फ्रूट्स जो चॉप किए हुए थे, ये फलूदा आइसक्रीम तैयार हो गई है। आप बच्चों को दें, हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल इनको ललचाई नज़रों से देख रहे हैं, इसलिए बस यही है कि उनको ये है कि अब ज़्यादा फ़ोटोएँ ना खींचे और हमारे को मिल जाए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।